हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिशम प्लाई क्लासेस। 200 सीटेड के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स आ चुकी है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दिया गया है। इसमें अपन इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल आपको पहले से ही डिशम प्लाई क्लासेस पे प्रोवाइड करवा दी है। वो जाके आप देख सकते हैं किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, सारी डिटेल। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो दोस्तों आप 8 मार्च तक जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 5 तारीख से आपके 5 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आप एप्लीकेशन फ़ीस आप किस तरह से देनी है आपको, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप 5 फरवरी से 8 मार्च तक पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 5 मार्च है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस देने की लास्ट डेट आपकी 8 मार्च है। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, पेपर फर्स्ट के लिए जनरल और ओबीसी की 700 रुपये हैं, और आपकी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 1200 रुपये इसकी फ़ीस है। एसटीएससी वालों के लिए आपकी 350 रुपीज़ है एक पेपर के लिए, अगर दोनों देना चाह रहे हैं तो 600 रुपये आपकी फ़ीस है। उसके साथ आपको बता दें कि इसमें आपके जीएसटी लगने वाला है। दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा महंगा होने वाला है। जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक्स। जो भी आपके, ये तो सिर्फ आवेदन फीस है, इस पे जो जीएसटी लगने वाला है वो इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जो आप अपन पे करेंगे एप्लीकेशन फ़ी, तब आपका जीएसटी लगेगा। तो अब जो है आपका जो सीटेट का फॉर्म है वो महंगा पड़ने वाला है आपको। अगर आप कोई सी भी, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो दोनों के लिए, किसी के लिए भी मतलब महंगा पड़ने वाला है। इसमें आपके कितना जीएसटी लगेगा ये इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप चालान से भी दे रहे हैं तो भी इस बैंक इसके अपने चार्ज करेगा। जैसे सिंडिकेट और कैनरा बैंक को इसकी जो है फीस देनी है आपको, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो जीएसटी कितना लगता है फॉर्म पे वो आपके उस पर लगने वाला है। तो इस बार जो है ये नया चेंज हो गया है कि जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। अब आप एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं वो मैं इसकी डिटेल भी आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पे कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि इसका जो फ़ीस का पेमेंट है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन करने के लिए, ऑफलाइन के लिए आपको ई चालान जनरेट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आपको सेलेक्ट करना कि आपको ऑफलाइन ई चालान जनरेट करना है, तो वहाँ पे आपको ई चालान जनरेट हो जाएगा जो आपको सिंडिकेट बैंक या कैनरा बैंक में जाके पे कर सकते हैं। इसकी किसी भी ब्रांच में आप, जो भी आपके नज़दीक कोई भी बैंक, इसी दोनों बैंक में से किसी का भी है तो आप जाके उसमें पे कर सकते हैं, और इसका जीएसटी आपको देना है बैंक में, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका ऑनलाइन मोड है, तो आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसका पेमेंट ऑनलाइन भुगतान कर सकें, उसमें भी आपका जीएसटी लगेगा। तो ये जीएसटी तो आप जब पे करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना है लगेगा। तो इस बार कैसे भी आप कर रहे हैं तो आपकी जीएसटी मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म 700 की प्लस ही होने वाला है, बहुत महंगा हो गया है फॉर्म। तो दोस्तों अब जो भी आवेदन करना चाहते हैं, 5 फरवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, 8 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है। अगर आप किसी भी मोड से कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, 8 मार्च 3:30 बजे तक आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। एग्जाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और सारी डिटेल आपको वीडियो लाइव क्लासेस में मिल जाएगी। थैंक यू, गुड बाय।